हेलो फ्रेंड्स, आईएएस फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको लाइफ साइंस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। देखिए, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी होता है लाइफ के बारे में अध्ययन करना। बायो मतलब लाइफ होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो लाइफ किस किस की लाइफ हो सकती है? एनिमल्स की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। तो बायोलॉजी में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एरिस्टोटल जो है, ग्रीक साइंटिस्ट है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और साथ साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, पेड़ प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। तो उन जो फादर ऑफ बॉटनी है वो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने मेडिसिन, चिकित्सा के जो होती है, मेडिसिन जो चिकित्सीय औषधि होती है, तो उनके बारे में उन्होंने खोज की थी, मेडिसिंस वगैरह के बारे में। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, जो चरका जो थे उन्होंने किताब लिखी थी, चरक संहिता, और वो बुक थी आयुर्वेद के बारे में। ये भी एक मेडिसिन वाली किताब है। तो जो आयुर्वेद है और जो चरक संहिता है, उस किताब का ओरिजिन अर्थवेद से लिया गया है। अर्थवेद में ये सब चीज़ें जो इलाज वाली चीज़ें हैं या बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिनका मेडिसिन उपचार वाली चीज़ें, वो अर्थवेद में दी हुई है। और चरक संहिता में चरका ने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आयुर्वेद के ऊपर बनाई गई किताब है। अब देखिए, सुश्रुत संहिता लिखी है, अब किताब सुश्रुत ने लिखी है। और ये जो सर्जरी के ऊपर बेस्ड है, तो काफ़ी प्राचीन जो तरीके होते थे सर्जरी के, वो इन सब किताबों में बताए गए हैं। तो ये किताबें पूछता है किन्ने लिखी, वो पूछता है। और हमने किताब सुनी है योग सूत्र, वो लिखी है योग सूत्र, योग के बारे में वो पतंजलि ने लिखी है, वो उनके राइटर है। और एक और बुक है इनकी, महाभाष्य, पतंजलि की एक और किताब है महाभाष्य। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत ग्रामर, वो पाणिनि ने लिखी है। तो ये किताबें और उनके राइटर आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करने को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, तो ये सब चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाती है। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो लुईस पाश्चर, ये काफ़ी फेमस नाम है, लुईस पाश्चर। तो ये सब आपको जो साइंस, जो फादर, किसके फादर किन्हें कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, इनका काफ़ी योगदान है हमारे बायोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए, इन्होंने क्या बनाया, ही डेवलप्ड एंटी रेबीज वैक्सीन अगेंस्ट हाइड्रोफोबियल रेबीज। जो हाइड्रोफोबियल रेबीज होते हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई। एंटी रेबीज वैक्सीन मतलब जो कुत्ते वगैरह काट लेते हैं, उनके उनके लिए जो वैक्सीन यूज होती है, उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन कहते हैं। तो ये इन्होंने डेवलप करी थी, लुईस पाश्चर जी ने। फिर इन्होंने बताया कि रेबीज जो है एक वायरल डिसीज़ है, और जो ये किस कारण से होती है, डॉग कुत्ते के काटने के कारण होती है, या बैट चमगादड़ के काटने के कारण होती है। तो ये रेबीज जो है एक वायरल डिसीज़ है, और वो उस वायरस का नाम क्या है, रेबो का नाम का वायरस है। तो उसके थ्रू ये चीज़ें होती है, और ये एक वायरल डिसीज़ है, लेकिन होती किसके कारण है, डॉग बाइट के कारण है। और इन्होंने एक टेक्निक दी थी जिसे पाश्चुराइजेशन टेक्निक कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ही डेवलप पाश्चुराइजेशन टेक्निक। तो लुईस पाश्चर जी ने काफ़ी चार पांच चीज़ों में इन्होंने योगदान दिया। एक और चीज़ है, इन्होंने थ्योरी ऑफ इंस्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया है। इन्होंने उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है कि इन्होंने पाश्चराइजेशन टेक्निक दी, थ्योरी ऑफ इंस्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इन्होंने एक और जो टेक्निक बताई थी,
फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन टेक्निक के बारे में इन्होंने 1857 में डिस्कस किया था। इन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन टेक्निक के थ्रू शुगर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसकी सहायता से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट और फंगी की सहायता से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमने पढ़े होंगे, जैसे हमारे माँ बाप है उनके जीन्स, कुछ जेनेटिक गुण हमारे इसमें भी आते हैं। जेनेटिक्स आई थिंक हिंदी में इन्हें गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो देखिए इनमें हम क्या पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स के पिता के जिसे कहते हैं जॉर्ज मेंडल, ही काफ़ी फेमस नाम है। देखिए जॉर्ज मेंडल काफ़ी फेमस नाम है। जेनेटिक्स काफ़ी एक बड़ी ब्रांच है, जेनेटिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो देखिए, और देखिए जेनेटिक्स में जो जीन होती है, जीन को बताया था जॉनसन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने जीन का जीन के बारे में अध्ययन किया था, इनकी खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि ये जो जीन है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट होती है वो जीन होती है। अब देखिए जो हमारे जॉर्ज मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था गार्डन पी के ऊपर, पीजियम सेटिवम, साइंटिफिक नेम है इसका गार्डन पी का, तो इस पे किया था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया काफ़ी एग्जामों में, तो आप इसको याद रखिएगा। तो उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, दो पौधे लिए थे, तो उनके थ्रू इन्होंने थर्ड पौधे को उनके जीन्स में कन्वर्जन करके थर्ड ट्री को डेवलप किया था। और उसके जो जो गुण होते हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती, उसमें किसी एक पौधे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डोमिनेट करती है। सपोज़ यहाँ पे हमने कोई एक बड़ा पौधा और एक छोटा पौधा ले लिए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ गुण हैं TT और इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्मॉल TT है। तो हमने देखा जब इन दोनों को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, तो जो इन दोनों से बना वो T और t बना, लेकिन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो जो T वाली कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा रहेगी, वो डोमिनेट करेगी T के ऊपर। तो इस टाइप का एक उनका रिसर्च था। तो यदि आपको ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बाकी हमें एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है। एटेविज्म, एटेविज्म क्या होता है, एटेविज्म का मतलब होता है री अपेयरेंस ऑफ डिस्टेंस और सप्रेस्ड कैरेक्टर। देखिए जो री अपेयरेंस हो जाता है डिस्टेंस और सप्रेस्ड कैरियर का कैरेक्टर का, तो उसे हम एटेविज्म बोलते हैं। तो याद देख लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, देखिए हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ गार्डन प्लांट्स को बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जामों में ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है, हॉर्टिकल्चर मतलब स्टडी ऑफ गार्डन प्लांट, गार्डन में जो पौधे लगाते हैं प्लांट्स लगाते हैं उनके बारे में अध्ययन करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट्री के बारे में अध्ययन करना, फॉरेस्ट्री के बारे में, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट्री को सिल्वीकल्चर बोलते हैं। स्टडी ऑफ सिल्क को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो ये सिमिलर टाइप के नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टडी ऑफ सिल्क सेरीकल्चर, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट्री सिल्वीकल्चर। और सिल्क, सिल्क के बारे में, सिल्क की बात आई तो सिल्क को हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिल्क को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सिल्क क्या होता है, सिल्क प्रीडोमिनेटली प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है किसमें है, तो जो स्नैक होता है, सांप होता है, सांप का जो जहर होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्नैक पॉइजन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमें। ठीक है, और प्रोटीन बेसिकली जो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड N और H। सिल्क मोथ बॉम्बेक्सी मोरी जो होता है उसे सिल्क मोथ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिल्क मोथ क्या होता है, तो बॉम्बेक्स मोरी जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क का जो पेड़ होता है उसे मलबेरी कहते हैं, मलबेरी नाम का जो ट्री होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और जो सिल्क और बॉम्बे जो है वो कहाँ से आए हमारे यहाँ, तो वो चाइना से आए हैं। सिल्क और बॉम्बे मतलब बांस होता है। ठीक है, तो सिल्क और बॉम्बे जो है हमारे ये चाइना से आए हुए हैं इंडिया में, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क चाइना में पाया जाता है, और इंडिया में फर्स्ट सिल्क जो का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है। और बॉम्बे यदि बांस की बात करें तो ये सबसे बड़ी घास है, इसे ग्रास कहते हैं, लार्जेस्ट ग्रास है, और ये मोनोकार्पिक होती है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है ये अपनी जीवन काल में, अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार ये फ्लोरिंग होती है, मतलब उगती है, एक बार उगती है उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है।
वुल वुल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीन की बात हुई तो अब वुल की बात करते हैं। तो देखिए वुल भी एक टाइप का प्रोटीन है, और ये किस से मिलके बना होता है, सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये चोन करके, इसका यदि आप ट्रिक याद रखेंगे तो CHON, इसको चोन पढ़ सकते हैं, तो इनसे मिलके बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसे अल्फा कैरेटीन भी कहते हैं। और जो पास्मीना बुल होती है, पास्मीना बुल, ये जो पास्मीना बुल होती है ये जो पाई जाती है चांगपा कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। तो उनकी जो भेड़ बकरियां होती है, आपने देखा होगा उनके बहुत घने घने बाल होते हैं, तो उनके थ्रू ये पास्मीना बुल बनता है। और इसके जो कपड़े हैं वो अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं पास्मीना बुल के, तो ये वहाँ पाया जाता है। अब देखिए एंगोरा रैबिट को बोला जाता है, और मेरिनो मतलब सिप होता है, तो ये आप याद रखिएगा, बायोलॉजिकल टर्म्स में ये चीज़ें यूज़ होती है। कॉटन की बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी वूल के बारे में पढ़ा था, तो ये चोन से मिलकर बना होता है CHON। अब यदि कॉटन की बात करेंगे सिर्फ CHO से मिलकर बना होगा, मतलब चो एन हट जाएगा इसमें, तो कॉटन जो होगा CHO चो से मिलकर बना होता है, ये मेनली सेलुलोज है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो फंड इन ब्लैक सॉइल रगर डेक्कन लावा प्लेटू, तो यहाँ पाया जाता है, यहाँ इसकी फसल कल्टीवेट की जाती है, उगाई जाती है। तो देखिए कपास की तो आप सभी जानते हैं खेती होती है, तो कहाँ होती है, तो ये डेक्कन लावा प्लेटू होती है, डेक्कन लावा प्लेटू आई थिंक राजस्थान के आसपास आता है, और ये ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल होती है काली मिट्टी होती है, उसमें इसकी खेती की जाती है। और यदि हम आर्टिफिशियल बुल की बात करें, अभी बुल के बारे में पढ़े थे, तो आर्टिफिशियल बुल एक्रीलिक को बोला जाता है, और आर्टिफिशियल बुल के उत्पादन में जो कृत्रिम बुल होती ऊन होती है उसके उत्पादन की बात करें, तो वर्ल्ड में इसमें भी चाइना डोमिनेट करता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल बुल है वो गुजरात में होती है। और अहमदाबाद सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, गुजरात जो शहर है अहमदाबाद का, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। और यदि मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी की, तो वो कानपुर है, ठीक है, तो मैनचेस्टर ऑफ यूपी कानपुर, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सिमिलर टू ब्लैक सॉइल चेरनोजिम सॉइल फंड इन यूक्रेन, जो हमारी जो काली मिट्टी होती है इसी के सिमिलर में एक सॉइल होती है, उसको कहते हैं चेरनोजम, और वो यूक्रेन में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो इश्यूज पहले हुए हैं उनके बारे में। देखिए ये क्राइनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुई थी, ये यूक्रेन में हुई थी, तो इसी से रिलेटेड नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक सॉइल की तरह ये है चेरनोजिम जो होता है सॉइल यूक्रेन में पाई जाती है। और एक डिजास्टर के बारे में देख रहे हैं हम यहाँ पे, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर यूक्रेन में हुई थी, क्योंकि यहाँ यूक्रेन की बात आ गई है। अब डिजास्टर की बात हुई तो डिजास्टर में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इस्तेमाल हुआ था, और जो कंपनी है, कई बार कंपनी पूछी जाती है तो यूनियन कार्बाइड, तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का नाम था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। अब फुकुशिमा डाइची अभी 2011 में आपने देखे होंगे, जापान में बहुत बड़ा सुनामी या बाढ़ आई थी, उस वहाँ पे फुकुशिमा डाइची हुई थी, तो वो जापान में हुई थी, 2011 में हुई थी। तो ये कुछ त्रासदियाँ हैं, डिजास्टर है। अब देखिए एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों के का अध्ययन करने को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। देखो पेलिनोलॉजी मतलब क्या होता है, पेलिनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पराग कर्ण जो होते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं इन्हें, इनके बारे में अध्ययन करने को हम पेलिनोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें करंट अफेयर टाइप की चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती है साइंस में। हे फीवर एलर्जी कॉज ड्यू टू पोलन ग्रेन्स समटाइम्स ड्यू टू फंगी, तो जो पोलन ग्रेन्स की बात है इसके कारण जो एलर्जी होती है उसे हम हे फीवर कहते हैं, और कभी कभी ये फंगी के कारण भी होती है हे फीवर जो एलर्जी होती है। अब वुल्फिया की बात कर लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्मॉलेस्ट फ्लावर है, सबसे छोटा फूल है, और ये हाइड्रोफाइट है, जलीय है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये रूटलेस है, इसमें जड़ नहीं होती है, और फ्लोटिंग टाइप है, मतलब ये तैरते रहता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई वुल्फिया के बारे में, स्मॉलेस्ट फ्लावर है, हाइड्रोफाइट है, रूटलेस है, और फ्लोटिंग टाइप है। अब सिमिलरली हम रिफ्लेसिया की बात कर लेते हैं, रिफ्लेसिया की,
तो रैफलेसी क्या है, लार्जेस्ट फ्लावर है, सबसे बड़ा फूल है, और बेरी बेट अडोर है, मतलब ये जो है इसकी दुर्गंध बहुत खतरनाक होती है, आप इस सह नहीं सकते इस टाइप का, तो वेरी वेट अडोर बोलते हैं हम इसको। पेलियो बॉटनी और पेलियो बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। पेलियो बॉटनी और पेलियो बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करने का हम पेलियो बॉटनी या पेलियो बायोलॉजी बोलते हैं। पेलियो मीन्स होता है फॉसिल या एंशियंट, मतलब पुराना, या फॉसिल मतलब कई जमाने पहले से जो फॉसिल प्लांट्स वगैरह होते हैं, कई बहुत पुराने होते हैं, एंशियंट या फॉसिल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पेलियो बॉटनी की बात आ गई है, हमने फॉसिल प्लांट्स के अध्ययन की बात आ गई, तो उससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ यूपी में है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ है, तो लखनऊ यूपी में है। और किस चीज़ के लिए है ये, तो ये फॉसिल प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना, जो पुराने पौधे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने के बारे में ये एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अब देखिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स के एक्शंस के बारे में अध्ययन करना, ड्रग्स का क्या बिहेवियर है उसके बारे में अध्ययन करने को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और फार्माकोजन कोग्नोसी होता है, उसका मतलब होता है मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं जिनके थ्रू दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके उनके अध्ययन, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में अध्ययन करने को हम फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। और जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है सॉइललेस कल्चर का अध्ययन करना, मिट्टी के बगैर जो एक कल्चर होता है या मिट्टी के बगैर जो चीज़ों का उत्पादन होता है सॉइललेस कल्चर बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और मैक्रो क्या होते हैं। देखिए माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो मतलब बड़े। तो ये कई बार आपको ऑप्शंस में दे दिया जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इनमें से कौन है पहचानिए, या मैक्रो कौन है वो पहचानिए। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिखी हुई है, काफ़ी फेमस ट्रिक है, आपने कई बार पढ़ी भी होगी पहले कभी। तो देखिए इसका मतलब होता है, देखिए यदि जिंक मैंगनीज MOB आयरन कॉपर और ये क्लोरीन, इनको देखें हम, और फिर यहाँ से कार्बन मैग्नीशियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम सल्फर हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है, ये सब पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, तो यदि हम इसकी ट्रिक बनाए तो देखिए, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, तो इस टाइप से ये ट्रिक बन जाएगी इस लाइन की, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है। और इसकी ट्रिक बन जाएगी, चीफ मैनेजर ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया, तो इस टाइप से आप ट्रिक बना के इन चीज़ों को याद रख लीजिए। अब देखिए ऑर्थिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पक्षियों का अध्ययन करने को हम ऑर्थिनोलॉजी बोलते हैं, और इसका एक इंस्टीट्यूट भी है, सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जिसे हम सेकॉन बोलते हैं, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोयम्बटूर तमिलनाडु में, याद रखेगा। तो पक्षियों के बारे में जो इंस्टीट्यूट है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, इसको शॉर्ट में सेकॉन भी बोलते हैं, सलीम अली सेंटर SAC ऑर्थिनोलॉजी नेचुरल हिस्ट्री, तो ON ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, अब इसके आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।